आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। रिया चक्रवर्ती से आज फिर सीबीआई की पूछताछ। मुंबई पुलिस की सुरक्षा में आज डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची रिया। सीबीआई के कहने पर मुंबई पुलिस ने दी सुरक्षा। आज ग्रे जींस और ब्लैक टॉप में नजर आई रिया चक्रवर्ती, कवर कर रखा था अपना चेहरा। सैमुअल, नीरज और सिद्धार्थ शौविक से भी आज सीबीआई की फिर पूछताछ। एक एक कर सभी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे। डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर भी सुरक्षा की दृष्टि से तैनात की गई मुंबई पुलिस, महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद। बांद्रा की डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे परिवार समेत कोरोना संक्रमित। डीसीपी त्रिमुखे ने रिया चक्रवर्ती से की थी पूछताछ, अब सीबीआई त्रिमुखे से करने वाली थी पूछताछ। मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में कल रात 9 बजे तक रिया चक्रवर्ती से हुई पूछताछ, बाद में मुंबई पुलिस की सुरक्षा में घर गई। सीबीआई ने सख्ती से की पूछताछ, अर्जुन को घर छोड़ने और सुशांत के रिश्तों के बारे में पूछे सवाल। सीबीआई के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की एसपी ने रिया चक्रवर्ती से की पूछताछ, यूरोप टूर से लेकर डिप्रेशन और प्रॉपर्टी खरीदने पर सवाल जवाब। रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स कनेक्शन पर भी पूछे गए सवाल। 8 जून को घर छोड़ने से पहले हार्ड ड्राइव नष्ट करने को लेकर भी सवाल। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने इंटरव्यू को बताया आंख खोलने वाला, किया ट्वीट, दोषियों की गिरफ्तारी के लिए अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया का नया व्हाट्सएप चैट आया सामने, पिछले साल जुलाई और अगस्त की है बातचीत। एक चैट में रिया सैमुअल मिरांडा से स्टाफ को लेकर बात कर रही हैं, अशोक को फोन करने को कहती हैं। एक चैट में रिया डूबी की जरूरत बताती हैं। चैट ग्रुप में सुशांत कहता है स्टाफ कहता है रोलिंग। रिया के साथ चैट में सिद्धार्थ पिठानी और आयुष भी शामिल, शौविक से भी ड्रग्स को लेकर बातचीत। व्हाट्सएप चैट से हैरान सुशांत की बहन श्वेता ने दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की, अंकिता ने लिखा हिला देने वाला। रिया के आरोपों पर अभिनेत्री संजना सांगी का कुछ भी बोलने से इनकार, रिया ने कहा था मीटू के अफवाहों पर चुप्पी से सुशांत थे परेशान। संजना ने कहा सुशांत की मौत को बनाया सर्कस, जल्द मिले इंसाफ। जस्टिस इज द गोल एंड जस्टिस कैन ऑल्सो बी अचीव थ्रू काम एंड राइटियस मीन्स एंड नॉट बिकम वर्लपूल ऑफ मिक्स्ड सॉर्ट ऑफ motives or any other thing. दिल बेचारे की अभिनेत्री ने कहा शूटिंग के दौरान नहीं किया सुशांत के डिप्रेशन को नोटिस, दोनों का फिल्म पर था ध्यान। I didn't pick up on that for the simple reason that I've never considered myself an authority to be able to pick up on people being depressed. I am an authority that on my co-actor or a friend, I can tell if they're not in a good mood or something's bothering them. बीजेपी नेता राम कदम ने फिर किया सवाल, क्या रिया और उद्धव सरकार की है सांठगांठ? सीबीआई जांच के बाद मुंबई पुलिस के दफ्तर क्यों गई रिया? और रिया चक्रवर्ती के प्रवक्ता के रूप में महाराष्ट्र सरकार का रवैया और पूरे मामले में लीपापोती करने का महाराष्ट्र सरकार का प्रयास। राम कदम ने किए सवाल, आखिर किसे बचाने की कोशिश कर रही है महाराष्ट्र सरकार? कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने फिल्म मेकर संदीप सिंह का बीजेपी से जुड़ा कनेक्शन किया सवाल, महाराष्ट्र बीजेपी के दफ्तर में 53 बार क्यों किया फोन? कि भारतीय जनता पार्टी और संदीप सिंह का बहुत ही गहरा रिश्ता है, बायोपिक पूरे देश भर में एक ही निकलने वाला है, उसका जो निर्माण है ऐसी व्यक्ति नहीं करती। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को मिली बड़ी सफलता, पिछले 24 घंटे में 7 आतंकवादी ढेर, आज पुलवामा में आतंकवादियों से सुरक्षा बल की भी मुठभेड़, 1 जवान शहीद, 3 आतंकी ढेर। यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे शहीद जवान प्रशांत शर्मा, परिजनों को वतन पर जान न्योछावर करने वाले बेटे पर है गर्व। पुलवामा में आतंकवादियों के पास से 1 AK-47, 2 पिस्टल बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। कल शोपियां में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़, मारे गए 4 आतंकी। शोपियां में मुठभेड़ के दौरान एक जिंदा आतंकी भी पकड़ा गया। देश में कोरोना का कहर जारी, 34 लाख के पार पहुंचे कोरोना के आंकड़े, पिछले 24 घंटे में 76,472 कोरोना के नए मरीज आए सामने। कोरोना से मरने वालों का और आंकड़ा बढ़ा,
पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1021 लोगों की जान गई। बीते 24 घंटे में कोरोना से 65,000 से ज्यादा लोगों ने जीती जंग, बीमारी के बाद स्वस्थ हुए। देश में कोरोना के 7,52,000 से ज्यादा हैं एक्टिव केस। खेल रत्न अवार्ड से पहले रेसलर विनेश फोगाट कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर खुद दी है जानकारी। चेन्नई सुपर किंग्स टीम के सदस्यों को हुआ कोरोना, अब एक सप्ताह के लिए और बढ़ा क्वारंटीन। जम्मू में एंटीजन टेस्ट में तेजी, शहरी इलाकों में 6,960 सैंपल में 309 निकले पॉजिटिव। पश्चिम बंगाल में कोरोना केस में तेजी, 24 घंटे में करीब 3,000 नए केस, 56 की वायरस से मौत। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के करीब 6,000 नए केस, कुल मामले 4,09,000 से ज्यादा। गुजरात में बारिश का गदर, नर्मदा बांध के सभी 23 गेट खोले गए। सरदार सरोवर बांध से छोड़ा जा रहा है 5,00,000 क्यूसेक पानी, भरूच के गांवों में जारी किया गया अलर्ट। बालाघाट में भारी बारिश के बीच धंसी सड़क, रास्ता पूरी तरह से बंद। मौके पर पहुंची थी प्रशासन की टीम, बाल बाल बची, दोबारा लैंडस्लाइड होने पर बाल बाल बचे एसडीएम। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हो रही है तेज बारिश, भोपाल भी पानी पानी। छिंदवाड़ा में 24 घंटे तक सैलाब में फंसा रहा एक युवक, बाद में हेलीकॉप्टर से लिफ्ट कर किया गया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के सिवनी में भीमगढ़ बांध के 10 गेट खोले गए, नजदीकी इलाके में सैलाब का संकट, बचने के लिए लोगों को घर की छत पर लेनी पड़ी शरण। लगातार 36 घंटे की बारिश से विदिशा में जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कें जलमग्न, घरों में घुसा पानी, लोगों का साजो सामान हुआ बर्बाद। एमपी में तला डैम में खतरे के लेवल को पार कर चुका है पानी, खोले गए 13 गेट, नजदीकी इलाके में सैलाब का संकट। यूपी के हाथरस में बारिश के बाद बुरा हाल, सब्जी मंडी और सड़कों पर जलभराव का संकट। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश, 20 से ज्यादा सड़कें बंद। सड़कों पर गिरा है मलबा और बह रहा है पानी, 50 से ज्यादा गांव वालों के लिए बड़ी परेशानी। ओडिशा के भद्रक जिले में बाढ़ का कहर, 12 लोगों की मौत। ओडिशा में 543 गांवों के करीब 1.5 लाख लोग प्रभावित, एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है रेस्क्यू में। बिहार के छपरा में बारिश और बाढ़, स्टेट हाईवे पर भरा पानी। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन का कहर लगातार चौथे दिन, NH-44 बंद। भारी बारिश के बाद राजौरी में भी भूस्खलन का संकट, दरक रही हैं पहाड़ियां। अलीगढ़ में भारी बारिश के बाद जलभराव का संकट। मुंबई में आज सुबह हुई बारिश, कुछ इलाके में जलभराव की खबरें। भरतपुर में चलती बोलेरो में आग लगने से मची अफरा तफरी, आग लगते ही गाड़ी छोड़कर भागा ड्राइवर। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर का जलभराव से बुरा हाल, घरों के आगे चल रही है नाव। आजादी के 73 साल बाद भी देश के तमाम इलाकों में सड़कों का संकट, विशाखापट्टनम में गर्भवती महिला को डोली में पहुंचाया गया अस्पताल। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में हो रहा बड़ा घोटाला, कैमूर में बिचौलियों ने डकारी रकम, महिला गर्भवती हो या नहीं फॉर्म भराकर की जा रही है 5,000 रुपए की निकासी। फॉर्म भरने वाली सैकड़ों महिलाओं को यह भी नहीं पता था कि उन्हें किस योजना का लाभ मिलने के लिए फॉर्म भराया गया, बिचौलियों ने 1700 रुपए महिलाओं को दिए, 3300 रुपए खुद रख लिए। तरनतारन में अपनी ससुर की वहशत का शिकार हुई एक बहू, रेप की कोशिश में नाकाम रहने पर ससुर ने घर में बन रही गर्म शराब से बुरी तरह से जला दिया। एथलेटिक्स के जाने माने कोच पुरुषोत्तम राय का निधन, आज मिलना था द्रोणाचार्य पुरस्कार। पुरुषोत्तम राय की 79 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत, अश्विनी नाचप्पा रोजा कुट्टी के रह चुके हैं कोच। कश्मीर में भारी बारिश, एलजी मनोज सिन्हा ने लिया बाढ़ की तैयारियों का जायजा। कृषि उपज मंडी में चालान काटने वालों को पीटा, व्यापारियों ने पुलिस से भी हाथापाई की। पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ गुस्सा, दलित सुरक्षा सेना ने झंडा जलाकर लगाए पाकिस्तान विरोधी नारे। अलीगढ़ में समाजवादी युवजन सभा ने किया प्रदर्शन, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का किया विरोध। मुख्तार अंसारी की अवैध कसाई खाने पर चला बुलडोजर, गिराने के खर्च की भी होगी वसूली। सीएम योगी के गोंडा दौरे से पहले धमकी भरे फोन करने वाला गिरफ्तार, इमरजेंसी सेवा के नंबर पर कॉल कर दी थी धमकी। पकड़ में आया सट्टेबाजों का गैंग, नीट जेई परीक्षा के न होने पर लगा रहे थे सट्टा। एक ही घर में मिले गायब हुए 4 लोगों के शव, खुदाई कर निकाले गए सभी के शव, बेटी और दामाद घेरे में। एनसीबी ने मुंबई में 2 ड्रग डीलरों को किया गिरफ्तार, लेकिन दोनों का अभी सुशांत केस से कोई कनेक्शन नहीं बताया जा रहा।
महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बीजेपी ने शुरू किया घंटी बजाओ आंदोलन, कोरोना काल में धर्मस्थल खोलने की मांग की। जी नीट परीक्षा स्थगित नहीं होने पर ओडिशा में परीक्षार्थियों को मुहैया कराया जाएगा मुफ्त साधन, सीएम नवीन पटनायक का फरमान। यूपी के बागपत में दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प, 5 लोग घायल। बलिया में पूर्व बीजेपी सांसद के रिश्तेदार की गोली मारकर हत्या, ग्राम समाज की जमीन पर दबंगों के कब्जे का किया था विरोध। चंदौली में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा, लखनऊ में लाठीचार्ज का किया विरोध। सुशांत की मौत पर इंसाफ मांगने वाले प्रशंसक तरह तरह का तरीका अपना रहे, भावनगर में एक प्रशंसक ने अपने जिस्म पर बनवाया सुशांत का टैटू। शिमला में कांग्रेस ने उठाया जी परीक्षा का मुद्दा, सरकार का किया विरोध। मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, जुटी भारी भीड़। मुरादाबाद में एक और कोरोना पीड़ित ने की खुदकुशी, मेडिकल कॉलेज की 6वीं मंजिल से लगाई छलांग। हिसार में कपास के किसान बेहाल, सैकड़ों एकड़ फसल कीड़े से बर्बाद। दंतेवाड़ा में एक डॉक्टर पर नशे में इलाज करने का लगा आरोप, मरीज की मौत, डॉक्टर का वीडियो वायरल, किया गया सस्पेंड। रामगढ़ में टेस्ट के बाद एक युवक को कोरोना पॉजिटिव बताकर 14 दिनों के लिए भेज दिया गया क्वारंटीन सेंटर, 10 दिन के बाद टेस्ट रिपोर्ट आई नेगेटिव। गया के डुमरिया में नक्सलियों ने 2 लोगों की हत्या की, एक गंभीर रूप से घायल। सीतामढ़ी में एक शख्स की हत्या और 5 लाख की लूट का मुद्दा गरमाया, लोगों ने सड़क पर आगजनी की, पुलिस के खिलाफ नारे लगाए।